स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भिंड में जय मां कालिका मंदिर बगेली में 2,51,000 दीपकों से दीप यज्ञ महोत्सव। बगेली बहादुरपुरा संगीत श्री राम झांकी 2,51,000 दीपकों से दीप यज्ञ महोत्सव 11 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित पवन धार्मिक मंदिर बघेली कालका बहादुरपुरा में स्थित है, जहां पर 2,51,000 दीपकों से दीपक महोत्सव मनाया जाएगा। हर शनिवार को हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। काफी प्राचीन मंदिर है। मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री रामदास जी महाराज दंद्रवा सरकार और भजन गायिका संजू और आयोजन शिबू सिंह राजावत ग्राम बहादुरपुर। व्यवस्थापक समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासी। कार्यक्रम स्थल जय मां कालका मंदिर बघेली बहादुरपुरा जिला भिंड में है। भिंड जिला संवाददाता दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट। रूपरेखा जी है कि जब से हमारे अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, उसी दिन से हम लोग यहाँ दीपावली चालू कर दी है। तो पहले 1100 दीपक से दीपावली जलाना चालू की थी, जो आज कालका माता की कृपा से 2,51,000 दीपकों से दीपावली जलेगी। क्या एक ही दिन में जलाया जाएगा? एक ही दिन में, एक घंटे में, 5 बजे से 6 बजे तक। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? सारी तैयारी पूर्ण है। सभी भिंड जिले के जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब उसमें अपना अपना भाग ले रहा है, सभी का सहयोग है और पूरी तैयारी। तकरीबन इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, कितना खर्चा है इसमें? खर्चा आ जाएगा 10,00,000 रुपये खर्चा। कहाँ से कर रहे हैं ये खर्चा? 10,00,000 रुपये। कोई 1,000 दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। जाती जैसी श्रद्धा है वो वैसा अपना चंदा रूपी अपना योगदान देता जा रहा है। कोई तेल दे रहा है, कोई दीपक दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। इसको जलाने से कहाँ कब से कितना समय लगेगा जलाने में? लगभग 1 घंटा, 5 बजे से 6 बजे तक। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? दंद्रव को महाराज दंद्रव को सरकार रामदास स्वामी। कौन कौन को मिल रहे इस कार्यक्रम में? सभी अपने 1008 वाले 12-13 संत लोग हैं। परमदास जी महाराज नंदवा आश्रम और रामभूषण जी महाराज अनेता धाम और कमलदास जी महाराज और रामकृष्ण महाराज सरकारी आश्रम जनकदास जी महाराज हैं। विधानसभा चुनाव कर रहा है इस समय, बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, उसकी परमिशन मिलने नहीं रखी है? हाँ, परमिशन दे रखी है। प्रशासन को भी आमंत्रित किया है इसमें? कलेक्टर को, एसपी को आमंत्रित किया है क्या? नहीं, अभी नहीं किया। मैं 1-8 दिन में जा रहा हूँ, उनको सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे, सब लोगों से मिलन करेंगे, सब सहयोग करें। चुनाव का उससे कोई लेना देना नहीं, ये हर वर्ष का प्रोग्राम। अब चुनाव बीच में आ गया, ये अपनी मजबूरी है। तो अपन चुनाव देखते हुए मंदिर परिसर में ही सारी चीज़ रखते हैं, मंदिर परिसर से कोई बाहर नहीं रखते हैं। क्या नाम है? शंभू सिंह राजावत।